કોઈને કદાચ પબ્લિકલી કહેવામાં શરમ આવતી કે મને શુભમ શોભી તેની સાજાની કમી જશે બરાબર આપણે 2 કલાક નવરાજ છે ભેડાભાઈ નવરાજ છે વાળીને નલ પ્રો જવાનું નહીં આવડતું સિરિયસલી કઈ ડોટ વાઇન ક્લોઝર કહેવાય આજુ નહીં ખબર હતા આટલો પાછળનો મિનિમાઇઝેશન એ ડીએસએ આઉટ ઓફ હા પૂછાતું નહીં પૂછાય એ કંઈ પૂછાયો નહીં હતી પણ યાદ નહીં બોલ जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं मेरे पूरे बस में अभी कोई भी नहीं आई एम सिंगल पर्सन राइट नाउ और ऐसा आज नहीं हुआ बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेला सिंगल ऐसे ट्रैवलिंग करता हूँ पूरी बस में सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर एंड मी हम तीन ही लोग होते हैं हाय तो कैसा रहा सबमिशन पार्थ भाई पार्थ कैसा रहा सबमिशन बकवास है मतलब क्रिप्टो का भी नहीं कोई वैसे भी नहीं मतलब कुछ उतनी थोड़ी प्रतीक्षा की थी मैंने भी कहा हूं बोले मुझे तो कैसा रहा आपका सबमिशन चिंतन नहीं आ रहे हैं कौन अब हर बार केटी यू वांट टू से समथिंग बंगाल वाय बैड वेरी बैड वाय 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 I'm not gonna edit this. Alright, you love you.
सो मैं यहाँ पे सबको परेशान कर रहा हूँ। कॉलेज का एकमात्र नमूना, गौर से देखिए इसे, गौर से देखिए इस आदमी को, ये सबमिशन के लिए तैयारी कर रहा है। और शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे अभी अभी गोबर करके आया है। और ये है हमारा सिद्धपुर का रॉकस्टार। सिद्धपुर के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये देगा। सिद्धपुर के लोग कैसे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? चोरी कर ले चोरी। और कुछ ये आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन ये कैमरा शाय है। और ये है हमारी कॉलेज का सबसे बुरा इंसान, जिसकी वजह से हमें इतना सारा लिखना पड़ रहा है। देखिए और दिव्य सर नंबर वन वर्स्ट स्टूडेंट फॉर कॉलेज, आप देख सकते हैं ये कैसे अच्छे अच्छे ड्राइंग बना रहा है। ऐसे तो मैं अपनी ज़िंदगी में भी नहीं बना पाऊँगा। अगर आप मुझे 2 करोड़ का प्राइज मनी भी देंगे तब भी मैं शायद ऐसे ना बना पाऊँ। कितनी सारी भीड़, ओ माय गॉड, कॉलेज का एक अलग ही रूप है। व्हाट से तरुण, तरुण व्हाट से, तू कहीं क्या है, तू कहाँ बोल, मारू वीडियो बैन रहेगी आज, कॉपीराइट लगेगी, क्यों क्यों क्यों, कोई नहीं कोई नहीं, क्यों होता, तू मारू मोटी छोड़ी दूँगी, मारा नहीं रही बात मुकुल। चालू हो गया। मैं इस बंदे ने आइडिया दिया ऐसा हाय ब्लॉग बनाने का, और ये बंदा मुझे बिल्कुल ही हेट करता है। हाय। और पीयूष भाग रहा है मेरे से, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हाय पीयूष, हाय नहीं, अरे बार बार बेबे आ गया जो है ना, हाय दीपक। अब कैमरा एंगल चेंज। वेलकम चिराग, हाय। हाय, नमस्ते। सो ठीक है, क्या हो? ना कहीं। व्हाई? डेटा माइनिंग में और आवर में सेल भी जैसे पेपर। हाय। जैसे कि मैंने बोला आज मेमोरी शेयर करने का दिन है, तो मेरे इस कॉलेज का फर्स्ट दिन था। हम दोनों एक बेंच पे बैठे थे, पहली बार मिले थे कॉलेज में। ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड है कॉलेज का, इस कॉलेज का। और ये है हमारा टीके भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा बंदा है। ये बुक कम से कम 10 बार खत्म कर चुका है। और हम लोग एक मेमोरी वाला वीडियो बनाने वाले हैं, सो डोंट वरी, आप जितने भी लोग देख रहे हो उनको मिल जाएगा वो वीडियो बहुत ही जल्द। बोल भाई कुछ तो बोल, तेरे लिए बोल। क्या बोलूं मैं, कुछ भी रैंडम शिट बोल। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताना हो, आई वांट माय स्क्रिप्ट, सो यू आर स्क्रिप्टेड राइट? यस, आई एम प्रोफेशनल। लाइट नहीं आ रही। हाँ आ गई। लाइट नहीं आ रही भाई मेरे, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, सो लास्ट डे ऑफ 7th सेम और कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई यार। स्कूल लाइफ ख़त्म, कॉलेज लाइफ ख़त्म, अब पता नहीं आगे क्या होगा।
पहले ना ये बहुत अच्छा लगता था कि हाँ चलो जल्दी से कॉलेज ख़त्म कर देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये ना एक अटैचमेंट हो गया है, हर दूसरे तीसरे वीक आना पड़ता है, हर ऐसे मैम को झेलना, लेक्चर्स बंक करना, सब्जेक्ट को गालियाँ देना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, वो सब अच्छा लगता है यार। अब वो सब मिस करेंगे हम लोग, पहले एक फेज था स्कूल का वो मिस किया, अब फ्रेंड्स कहाँ पे अभी भी नहीं पता कहाँ गए वो लोग, वो नहीं पता। स्कूल के बाद 11 12 का फेज़ वो तो बहुत मतलब बहुत मिस किया, मेरा दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड भागा जो भी वीडियो देखेगा पक्का, उसको बहुत मिस किया। सब कुछ मतलब चेंज होता था लाइफ, यू मिनटों में चेंज होती लाइफ, जब एग्ज़ाम ख़त्म चलो घर लाइफ चेंज, ये अच्छा नहीं लगता यार, मिस करेंगे हाँ। इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मेमोरी बनानी है भाई, ये वीडियो आज मैं बना के रहूँगा, हर एक को लूँगा आज मैं, देखो तुम अभी एक सेम बाकी है पूरा, यूट्यूब पे होना चाहिए भाई, 10 साल बाद देखो youtube.com कहीं जाने वाला है नहीं, ये लोग कब से हंस रहे मेरे पे, आई डोंट केयर। चलो जल्दी जल्दी मुझे पढ़ना है और बाद में बात करते हैं।